करेंगे चुनावी रैली को संबोधित। चमोली और उधमसिंह नगर में करेंगे चुनावी जनसभा। चंपावत के लोहा घाट में भी होगी चुनावी जनसभा। उधमसिंह नगर के काशीपुर में भी गर्जेंगे राजनाथ सिंह। चमोली के बौचन में केंद्रीय मंत्री चुनावी रैली करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए जन समर्थन मांगेंगे। तो लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल में उत्तराखंड में पहले चरण में मतदान होने और इसके लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की भीड़ उत्तराखंड में उतार दी। दिग्गजों के समर्थन में चुनाव प्रचार अभियान जारी है और इसी कड़ी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चमोली के गौचर, चंपावत के लोहाघाट और उधमसिंह नगर के काशीपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील। और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए। धनराज, अगर राजनाथ सिंह की बात करें तो क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं, कितनी रैलियां होनी है और रैली की बात करें तो कम कितने लोग उन रैलियों में लगभग मौजूद रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो वैसे वैसे बीजेपी अपने जो प्रचार प्रसार है उसमें दम कम दिखाती हुई नजर आ रही है। कल आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली ऋषिकेश में हुई थी और एक बड़ी जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते गए हैं। और वहीं आज देखिए कि आज जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनकी रैली होनी है और कई जगहों पर उनकी रैली के कार्यक्रम रखे गए हैं। यदि बात करें चमोली की तो चमोली के गोचर में रैली एक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे राजनाथ सिंह। और वहीं जो कहा जाए कि जो उधम सिंह नगर है वहां पर भी कहीं ना कहीं एक रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह नजर आएंगे। और आप देखिएगा कि लगातार जो स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के वो उत्तराखंड आ रहे हैं, चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें या फिर राजनाथ सिंह की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें। तमाम जो स्टार प्रचारक हैं जो लिस्ट जारी की गई है वो लगातार उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं और लगातार बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और आज की यदि हम बात करें कि जब चंपावत में लोहा घाट में भी एक रैली को संबोधित करेंगे राजनाथ सिंह, कार्यक्रम रखा गया है राजनाथ का। और अब देखा जाएगा कि किस तरीके से भीड़ इकट्ठी होती है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली हुई है कल उसमें कहीं ना कहीं लाखों की तादाद में जो कहा जाए कि जो कार्यकर्ता है या फिर जनता है वो उनको सुनने के लिए पहुंची थी। और यही उम्मीद राजनाथ की रैली में भी लगाई जा रही है कि लाखों की तादाद में कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो राजनाथ सिंह की रैली में भी पहुंचेंगे। बिल्कुल धनराजगंज, जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ प्रचार अभियान जारी है बीजेपी का, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो प्रचार अभियान में कांग्रेस काफी पीछे दिखाई दे रही है। अभी तक जो कांग्रेस के तमाम दिग्गज है, चूंकि 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है उत्तराखंड में, लेकिन कांग्रेस के अभी जो तमाम स्टार प्रचारक हैं बड़े दिग्गज हैं वो अभी मैदान में नजर नहीं आए हैं। कांग्रेस प्रचार प्रसार पीछे जरूर नजर आ रही है लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि जल्दी उनके जो स्टार प्रचारक हैं, यदि हम प्रियंका गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, वो उत्तराखंड आएंगे और बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे क्योंकि कई कार्यक्रम प्रियंका गांधी के भी लगे हुए हैं और वहीं राहुल गांधी के भी लगे हैं और जो बड़े नेतृत्व है यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़के, उनके भी कार्यक्रम लगे हैं। लेकिन अभी तक देखा जाए तो अभी तक कोई भी स्टार प्रचारक उत्तराखंड कांग्रेस का नहीं पहुंचा है लेकिन आज देखा जाए तो जो प्रभारी हैं शैलजा कुमारी वो उत्तराखंड पहुंच रही हैं। और आज पूरी जो कहा जाए कि प्रियंका गांधी की रैली को लेकर पूरी चर्चा कांग्रेस की जाएगी और इसके बाद कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि रुड़की के अंदर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करती प्रियंका गांधी भी नजर आएंगी। लेकिन अभी यही कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे जरूर है लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किस तरीके से इस पूरे चुनाव में पार उतर पाती है।